यार ये उनका डिजाइनर रहते। बैग कैसे सब ले लेती है, मुझे प्लीज आज बताई तो दो। अब बिकॉज फॉर मैनी मॉडलिंग वॉज अ मीन्स टू एन एंड, हाँ और वही चीज जो मैं कह रही हूँ, आई मीन द एंड इफ बीइंग शुगर डैडीज। ऑल्सो हाँ मैं जब शुरू में करती थी ना, इट वॉज अ हाई आमना, मैं रैंप से पहले बड़ी नर्वस होती थी हमेशा। विल ट्राई एंड पुल आउट सम ऑफ योर क्लिप्स। हाँ मगर जब वो मैं बस रैंप पे जब वो हुआ ना कि अच्छा ऑन, यार एक हाय था, हाँ आप किसी को नहीं देख रहे थे, आप एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता को मैंने 15-20 साल किए, या टुवर्ड्स द एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक व्हेन माय फ्रेंड्स बोले ओ अच्छा वो इंडियन मॉडल्स आएंगे, ओ बड़ी हॉट है, ओ ये, तो मुझे फील हुआ कि अच्छा ये जो सब आ रहे हैं देखने के लिए, इसमें से ठरकी अंकल्स भी हैं हाँ एंड दे नॉट लुकिंग एट माई क्लोज, दे लुकिंग एट माई बॉडी, ऑलवेज या विच आई डोंट नो हाउ, हाँ आई नेवर थॉट शुरू में ऑफ इट नहीं था दैट वे। ऐसा, इतना शुरू में हाँ इतना नहीं था। मे बी शायद आहिस्ता आहिस्ता, ऑफकोर्स हमारे लिमिट्स थे, कुछ हाँ मॉडल्स के थे कि अच्छा ठीक है हम इतनी स्कर्ट पहन लेंगे, स्लीवलेस पहन लेंगे, लेकिन लाइक नो शॉर्ट्स ये वो, आहिस्ता आहिस्ता फिर आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम हाँ एवरीथिंग बिकेम, मैं पीसी में एक ब्राइडल कुचोर या वन ऑफ दोज थिंग्स के लिए लाइक आई वॉज अ शो स्टॉपर, सो मॉडल्स आर कमिंग इन लिटिल शॉर्ट्स एंड लिटिल ड्रेसेस, एंड हम लोग तो वो जीन्स टी शर्ट्स पहनते थे, उसके अंदर वो जो हाँ छोटी वाली टी शर्ट्स अगर पहन ली, तो हाँ आई वॉज लाइक अच्छा ये तो मैं तो आई डोंट आई कुडंट रिलेट टू इट, कि हम पाकिस्तान में ही हैं, हम हाँ पीसी की लॉबी से गुजर कर यहाँ हाँ के मतलब सब लोग हैं, हाँ तो हम कैसे ये हम कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग दैट फीलिंग ना दैट लाइक ओ नो देयर लुकिंग एट मी, उसके बस एक साल के बाद आई वॉज लाइक यू लाइक आई एम डन, ये आई एम क्या, डन। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, हाँ आई गेस एंड व्हेन आई हाउ इजी मैच्योर्ड। वाज द टेलीविजन इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ भी कास्टिंग काउच तो बहुत नहीं सख्त नहीं सख्त है। अल्लाह का शुक्र है कि इवन एज मॉडल्स वी वर हाँ प्रोटेक्टिंग द बॉयज हाँ इन सर्टन प्रोविंसेस व्हेन वी वेंट टू डू शोज, ओके हाँ वेरी फ्रैंकली तो हमें कभी मॉडलिंग में तो कभी ऐसी चीज़ नहीं थी, जब आप यहाँ आकर आप अगर आपने किसी के बारे में सुना भी है, आप कहें जी अस्सलाम वालेकुम सर, वो उनके अगर कोई नोशंस हो वो सब ख़त्म हो जाते हैं, तो माशाल्लाह से लाइक आई हैव बीन हियर फॉर सो लॉन्ग, नथिंग एवर, सो इट्स ऑल अप टू योर सेल्फ राइट। बिल्कुल दो हाथ हाँ से ताली बजती है, आप अगर हाँ हंस हंस के और आप अगर फ्लर्ट करेंगे, आई हैव सीन चिक्स हाँ सर मैं लीड हूँ वो सेकंड लीड है और ये यूं करके, डायरेक्टर के आप घुटने पे क्यों हाथ रख रही हैं, मैं चुप हूँ, सडनली जी प्रोमोज और ट्रेलर्स में वो ज़्यादा है मैं कम हूँ, वॉट आपने एवर, घुटने पे हाथ नहीं रखा। हाँ मतलब कि इस तरह नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ मैं लीड हूँ ठीक है जो भी जितना भी हाँ आप कर लो, लेकिन तो आई थिंक दैट्स आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी मूवमेंट, बट आई जस्ट फील दैट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस हाउ टू अर्न योर मनी, अगर आपको लग रहा है डोंट सफर इन साइलेंस, लीव द गॉड डैम बिजनेस, बिकॉज ईदर स्पीक अप एंड से हाउ डेयर यू, और देन से ओके फाइन दिस इज नॉट फॉर मी, पीपल विल नॉट चेंज, ये वाली बात है, मुझे तो डरते होंगे, तुम्हें पता है मैं हमेशा से हाँ आउटस्पोकन हूँ, एग्जैक्टली नॉन पेमेंट होती तो मैं फेसबुक पे लगा लेती हाँ थी हाँ मगर तो प्रोडक्शन कंपनी से, तो उनको पता है भाई इनको ना छेड़े, देखियो तुम जैसे बहुत कम लोग होते हैं यार, एंड द मी टू मूवमेंट इज़ वेरी रेयर मी ऑल टू ओवर द मूवमेंट वर्ल्ड। इतनी रिस्पेक्ट है मुझे मी टू मूवमेंट की, लेकिन मी टू मूवमेंट इज नॉट फॉर यू एंड मी आमना, वी कांट बी सेल्फिश, वी आर आउट स्पोकन पीपल, वी मी टू इज फॉर दोज पीपल जो डिफरेंट तबके से आती हैं, हु आर सपोर्टिंग देयर हु फैमिलीज, डोंट नो हु व्हाट डोंट टू नो, हु आर ऑल्सो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी फैमिलीज भी बहुत बैकवर्ड हैं और बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो वो मर जाएंगी लेकिन वो कभी बताएंगी नहीं, मी टू मूवमेंट वॉज सपोज टू बी फॉर देम, इट इन वॉजन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान, इट वॉजन सपोज टू बी हाईजैक्ड बाई सेलिब्रिटीज एंड मेक इट अबाउट यू नो लाइक हु इज़ द बिगेस्ट स्टार, हु हैज़ मोर फॉलोअर्स, आप समझ रही हो, अच्छा यू आर वेरी वोकल अबाउट दिस, बगैर नाम लिए, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू गेट एनी लीगल रिपरकशंस ऑफ अ नहीं नहीं डिस्कशन। लीगल रेपरकशंस तो क्या मतलब कि ये फॉरेन फंडेड ये वो कुछ भी हो सकता है, रॉकेट मिसाइल ही हाँ आ जाए मेरे गेस्ट हाउस पे, कुछ नहीं पता, तो हाँ इसलिए आई थिंक वी शुड जस्ट बी, जितना मैंने कह दिया आई थिंक काफ़ी है, हाँ बट मुझे ये लगता है कि आप बट यू आर वेरी वोकल अबाउट योर सपोर्ट। ट्विटर, आई लव ट्विटर, हाँ ट्विटर पे तो हम सब बहुत वोकल है अबाउट हाँ एवरीथिंग, हाँ बिकॉज मेरा ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट ट्विटर, आई गो इंस्टाग्राम इज़ लाइक ओह अच्छा अस्सलाम वालेकुम बीइंग ताबिंदा टुडे बीइंग दिस वो क्यूट क्यूट चीज़ें नाइस इंस्पिरेशनल कोट्स, बिकॉज मैंने देख लिया है कि इंस्टा पे नहीं है, फेसबुक इज फॉर फैमिली एंड लाइक हाँ यू एग्जैक्टली नो वो, ट्विटर इज़ वे यू
कैन बी हु यू वॉन्ट टू बी एंड स्पीक योर माइंड डोंट बी अ मुनाफिक बट जस्ट लाइक जो वो आप तो ट्राई नॉट टू बी एनीवेयर मुनाफिक. हाँ मतलब ट्विटर पे वो हम पीछे लगे होते हैं ना वो जो पेड जर्नलिस्ट होते हैं जिनको हमने प्यार से लिफाफीज कहते हैं तो वहाँ पे बड़ा मगर एक है कि बहुत मज़ा आता है ट्विटर पे कि वहाँ पे आप निडर आप बोलें सो इसलिए So did you ever feel that there was some kind of a impact of what you said on Twitter in your professional life? नो No. नो वो तो आई लव इफ्फत आई लव सबा आपा आई रिस्पेक्ट हिम इमेंसली. इफ्फत मेरी मॉडलिंग में भी सीनियर है सबा आपा के साथ तो मैं एक पूरा साल फ्लैटमेट रही हूँ. बट द थिंग इज़ कि आपकी आइडियोलॉजी नहीं आप अपनी चेंज कर सकते आप अपनी ओपिनियंस नहीं चेंज कर सकते. मैं ट्विटर पे नहीं फॉलो करती इनको क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं अपना बीपी हाई करूँगी अगर मैंने कुछ ऐसी वैसी बात कर ली मगर प्रोफेशनली नहीं. प्रोफेशनली हम सब एपोलिटिकल हैं. आई थिंक वन ऑफ द दैट्स वेरी गुड. फॉल बैक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वी डोंट टॉक ऑन सेट. जो आपने बोलना है आप ट्विटर पे बोले ना या आप अपने फ्रेंड से बोले तो हम उस कोई नहीं पीटीआई या पीएमएलएन वी डोंट डिस्कस इट और वक्त नहीं होता सेट के ऊपर. तो सेट्स तो भी कोई बहुत ही कोई पागलपन हो गया है. मैंने सुना है डबल शिफ्ट चल रही होती हैं और डबल दो शिफ्ट दो तो कैमरास बहुत चल रहे होते हैं और दो कैमरास इतना ज़्यादा नहीं होता वो तो अगर डेस्परेट हो ना कि आपने अभी शूट करना है और कभी कभार तो आज रात को ऑन एयर होना है ऑन एयर होना है तो वो तो बस वो रमजान वेट फेज कर में तो लेते हैं. यही हो रहा है ना. हाँ मगर नहीं उससे भी पहले हो जाता है कुछ हो जाता है तो आप होते हैं मगर डबल शिफ्ट होती हैं शादियों और इवेंट्स के ऊपर तो आपको पता है कि जी आप 4-5 बजे तक तो कहीं नहीं गए. तो तो रिक्यू वेयर डू फाइंड द एनर्जी. तो मुझसे कोई इतनी छोटी तो नहीं हो लेकिन मेरे में तो 3-4 घंटे से ज़्यादा काम करने बिकॉज की. आई लव एक्टिंग आई बट लव इट. 12-12 घंटे की शिफ्ट हाँ यू आर हैप्पी ऑन आई एम दैट. वेरी हैप्पी. मैं नर्वस ये इसमें नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ कि अच्छा ओ गॉड मेकअप आर्टिस्ट नहीं है ओ अच्छा मैं खुद अपना मेकअप और बाल करके आऊँगी. अगर कोई भी आपको फ्लॉ नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह जो तुम लाइट्स अच्छी होंगी लेकिन मैं कि मैंने सब खुद किया है एंड आई एम नॉट यूज टू इट. मैं सेल्फी अच्छी नहीं लेती कोई 600 सेल्फीज़ के अंदर से एक आती है उसको भी फिल्टर फुल्टर करके बिकॉज यू नेवर यूज टू इट. मैं सिमी से बात करी थी कल सेट पे तो सिमी पाशा वाज लाइक हाँ वी वर टोल्ड वॉट टू डू एंगल कौन सा ये वो. तो आजकल के बच्चे तो हैट्स ऑफ टू देम जो मेरे फैंस आकर मेरे साथ सेल्फी हम लाइक ये आप कैसे करें ये कौन सा फिल्टर है. एवरी वन एक्सेप्ट मी टेक्स बेटर पिक्चर्स. डू यू फील दैट यू मिस द बस व्हेन इट केम टू सोशल मीडिया लाइक हाइप एंड लोग अब इतना इट्स सो लाइक लुक्रेटिव बीइंग ऑन सोशल मीडिया. आई वुड स्टिल नॉट डू इट. मैं यू वुड अभी स्टिल भी नॉट डू मॉर्निंग इट. शोज पे मैं पैसों के लिए नहीं जाती. इंटरव्यू करूंगी मैं साल में एक या दो बट लाइक आई विल नेवर टेक मनी बिकॉज आई थिंक इट्स अ पे बैक यू नो वट आई मीन. सो आई डोंट अगर बट मुझे देर आर एक्टर्स हु टेक मनी एंड गुड फॉर देम एंड इवन फॉर एंड इंटरव्यूज. इंटरनेशनली इट्स हैपनिंग एंड देर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आई एम जस्ट नॉट आई गेट माई मनी फ्रॉम माई वर्क. बस सही है. सो फिर मैं चूज कर सकती हूँ ना कि मैंने कौन से इंटरव्यू में जाना है मैंने क्या करना है.